जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है आपके? ठीक है, आपके लिए लेकर आया हूं मैं आज हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स, जैसे कि आपके पटवारी, हिमाचल प्रदेश पुलिस या HPPSC। जैसे हाल ही में अभी सुनने में आया है कि अब जितने भी एग्जाम्स होंगे वो HPPSC जो है शिमला वो कंडक्ट करवाएगा और लेगा। तो उसमें ये बताया गया है कि अब से जो है वो दो एग्जाम होने हैं, एक प्री एक मेंस। जो प्री होगा पहले उसको बच्चे को क्वालिफाई करना होगा, साथ में ही एक मेंस होगा। तो हम दोनों की तैयारी साथ साथ में करेंगे रोजाना की तरह। तो आज जो मैं लेकर आया हूं वो लेकर आया हूं हिमाचल प्रदेश के पटवारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का टाइप। आपको ये टाइप कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके, और इस टाइप को आप जरूर परफेक्ट कर लीजिए। हम डेली के डेली टाइप्स लेकर आ रहे हैं और जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। तो आप मेरी वीडियोस को देखना ना भूलें और 1-to-1 क्वेश्चंस को परफेक्ट करें। आज जो ये टाइप है बिल्कुल बेसिक टाइप से लेकर आ रहा हूं, पहले प्रश्न से, जिसमें क्वेश्चन दिया होता है एक्स प्लस वाई जो है वो 3 के बराबर है, 2x + 5y बराबर है 12 के, तो निकालना कैसे है। ठीक है, तो हम इसको ट्राई करेंगे। देखिएगा, इसको दो प्रकार से कर सकते हैं। एक हमारा मेथड है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है, यहां पर देखेंगे आप इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन आपकी पहली आ जाएगी। ठीक है, और एक को इक्वेशन आप दूसरी मान लीजिए, इक्वेशन एक पहली आ जाएगी और एक इक्वेशन दूसरी आ जाएगी मेरे बच्चों। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को मानकर चलते हैं। तो पहली इक्वेशन में यहां पर हम क्या है, देखिए x + y = 3, 2x + 5y = 12। आपको पहली इक्वेशन में चाहे एक्स एक्स वाले एक जैसे बना लो या वाई वाई वाले एक जैसे बना लो। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं, पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये 2 से अगर मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 2 से 2 सेम टू सेम हो जाएगा। देखिए 2x + 2y = 6, और नीचे वाली ये इक्वेशन सेम टू सेम ही लिख देनी आपने, 2x + 5y = 12। अब आप सिंबल चेंज कर दीजिएगे, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, आपस में ये कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 3y = इससे भी कितना बच गया -6, माइनस से माइनस क्या, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6/3, यानी कि y की वैल्यू आ गई आपकी 2। इस संख्या को लीजिए आप किसी भी इक्वेशन, चाहे इसमें पहली में चाहे दूसरी, किसी भी इक्वेशन में आप फुल कर दीजिए इसको। तो मैं पहली वाली में पुट करता हूं इसको, तो x + 2 = 3, तो ये इस साइड जाएगा, तो x = 3 - 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो x का मान आ गया 1, y का मान यानी कि y की वैल्यू आ गई 2। तो ये था हमारा मेथड इस इक्वेशन को सॉल्व करने का, और ये लास्ट टाइम में जो है पटवारी की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस को उठा रहे हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सेम सवाल आ गया है, क्या है आपका, देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन है x - 2y = 5, 2x + 3y = 10 के बराबर है। अब पहले की तरह ही इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड मान लीजिए। अब मैं एक बार फिर से इक्वेशन लिख देता हूं आपके लिए, कि आपको मैं एक अच्छे से इक्वेशन के बारे में समझा दूं। देखिए यहां पर इस इक्वेशन में अगर हम इसको 2 से गुणा करते हैं तो ये एक जैसे बन जाएंगे, और अगर 3 से करते हैं तो एक जैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 2 से इसको इक्वेशन को गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें नीचे से पता लग जाता है इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई होनी है। तो 2 से किया तो कितना आ गया बच्चों, 2x
ठीक है, इसका कितना आ गया 2x, माइनस 4y इक्वल टू 10, ठीक है, इसको सेम टू सेम रहने दीजिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू आल्सो 10। अब देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशनों में क्या हुआ है कि सेम टू सेम वैल्यूज आ गई हैं, माइनस माइनस माइनस, ये भी कैंसिल हो गया और यहां से ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई है, ठीक है। अब इस वैल्यू को लीजिए, कोई भी वैल्यू आ सकती है, इसको यहां पर पुट कर दीजिए, तो पहली इक्वेशन मैं करता हूं x माइनस 2 वाई की जगह 0 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो आंसर कितना आएगा 5, 0, आपके पास ये ऑप्शन आ सकती है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न रहेगा। एक और प्रश्न बताता हूं, सेम सवाल लेकर आया हूं, बस थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, डरने की नहीं बात है। देखिए यहां पर इस इक्वेशन को देखिए, 3x प्लस वाई, अगर इस 1 को इस साइड ले जाएंगे तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह बन जाएगा। सिर्फ ये बच्चों आपको डराने के लिए बनाया होते हैं क्वेश्चन की, भैया ये ऐसे नहीं ऐसे होंगे, ठीक है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 8। अब देखिए कि यहां पर तो मैं 2 से करता हूं तो भी सेम नहीं बनेगा 3 से, तो क्योंकि ऊपर नीचे है, मगर यहां पर बन जाएगा क्योंकि यहां पर कुछ डिजिट मिसिंग है, यानी कि नहीं है तो 1 है, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं पहली इक्वेशन को, क्या आ जाएगा 9x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 3, ये सेम टू सेम ही आ जाएगा 2x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 8, ठीक है। अब देखिए सिंबल अगर हम बदलते हैं दोनों के, ठीक है, तो ये कटेंगे नहीं, इसलिए हम सिंबल ही नहीं बदलेंगे, 9, 10, 11x, 8 के आगे 9, 10, 11, माइनस से माइनस गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। इस इक्वेशन को लीजिए, पहले में पुट कर दीजिए, तो x की जगह पुट करिए 3 गुना 1, y बराबर है माइनस के, आपके पास क्या है 1, माइनस के कितने हैं 1, तो y इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 4, तो इक्वेशन का आंसर क्या आ गया 1, -4। तो बहुत ही सिंपल सवाल होते हैं लाडलो, इन क्वेश्चंस को आप परफेक्ट करिए, बहुत ही सिंपली आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं 1 by 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेम सवाल रहेगा, इक्वेशन में फिर से हम बनानी पड़ेगी, ये इस साइड लेके जाना पड़ेगा, तो क्या आएगा आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इक्वल टू प्लस 7। देखिए दोनों एक जैसे ही हैं, तो आपको ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं, सिर्फ प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस कर देना है, इसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं दोनों इक्वेशंस की, तो ये आपस में कैंसिल हो गया, 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और 6, 4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -4/4, यानी कि y की वैल्यू हो गई -1। y की वैल्यू लो और पहली इक्वेशन में पुट कर दो, सिंपल क्वेश्चन है, तो 2x प्लस माइनस y की जगह आ गया -3 इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू 4/2, यानी कि कितना आ जाएगा -2, और y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चंस मजेदार हैं कि नहीं है जरूर बताइएगा मुझे कमेंट करके, और ये क्वेश्चंस क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आए हैं, तो आए हैं कौन से एग्जाम्स में आए जरूर मुझे बताइएगा। तो ये क्वेश्चन आपको मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, x प्लस वाई, ये है क्वेश्चन आपका,
एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर और थ्री टू एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू थ्री। देखिए बहुत ही सिंपल है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर, तो ये इक्वेशन दिया हुआ था, ठीक है। अब हम सेम टू सेम बनाना है, मैं बोल रहा हूं कि यहां पर टू है तो ऊपर वाले को टू से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, तो टू से किया तो क्या आ गया, टू एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू एट, और इसको सेम टू सेम यू, ठीक है, सिंपल चेंज हो जाएंगे। तो उसका मतलब हमने इन दोनों की इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्शन कर दिया है, इक्वेशन का सब्ट्रैक्शन हो गया है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, 5y इज इक्वल टू से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई मेरे बच्चों। और इसको हम पहली इक्वेशन या दूसरी किसी में भी पुट कर सकते हैं, तो पहली में पुट करें, अगर मैं दोनों में पुट करके दिखाऊंगा, पहली वाली में करते हैं तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू फोर, तो x इज इक्वल टू फोर माइनस वन, तो x की वैल्यू कितनी होगी, थ्री। तो ये आपका हल हो चुका है, आंसर बहुत ही सिंपली निकाल के दे चुका हूं मैं। मगर अगर आप बोलते नहीं सर आप दूसरी इक्वेशन में पुट करो, तो आंसर सेम आना चाहिए, y इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री, तो टू एक्स ठीक है माइनस थ्री इक्वल टू थ्री, तो टू एक्स इज इक्वल टू, ये यहां पर जाएगा थ्री तो प्लस हो जाएगा, थ्री प्लस थ्री सिक्स, एक्स इज इक्वल टू सिक्स ओवर टू, तो टू थ्री जा सिक्स, तो x की वैल्यू अगेन थ्री निकल चुकी है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। इसका मतलब आप कहीं पे भी बच्चों गलत नहीं हो, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो मेथड है वो बिल्कुल सही है। आपको ये मेथड कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, और वीडियो देख रहे हैं तो जरूर लाइक करिएगा हमारी मेहनत को, और आपकी मेहनत से आपके लाइक से जो है हमें और जोश आता है, और इस जोश से जो है हम और अपने अच्छे जो है ट्रिक्स को और अच्छे क्वेश्चंस को बनाने में हमें जो है आपकी तरफ से जो है प्रोत्साहन मिलता है। तो जल्दी से हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, रोजाना की तरह ही लेकर आया हूं, टू एक्स माइनस थ्री वाई, ये 13 उठा लो कांस्टेंट टर्म, दूसरी साइड तो माइनस 13 हो गए, इसी प्रकार से इसमें भी होगा, थ्री एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू माइनस 12। अब देखिए कि यहां पर अगर मैं थ्री से नहीं कर सकता, टू से नहीं कर सकता, देखो कॉमन नहीं हो रहा हो, तब आप उल्टा कर लिया करो, इसको थ्री से इसको टू से, कैसे, इन दोनों डिजिट से। तो मैं ऊपर वाली को थ्री से करूंगा, क्या आएगा, सिक्स एक्स माइनस नाइन वाई, थ्री से कर दीजिए 39, इसको टू से कर दीजिए क्या आएगा, सिक्स एक्स, बन गया सेम बच्चों 12 2 24, सिंबल चेंज हो जाएंगे बच्चों आपस में, ये फिर से कट गया है उसी तरीके से, माइनस 5y बच के, यहां से भी माइनस कर लीजिए, तो माइनस का क्योंकि बड़े के साथ सिंबल माइनस का है, कितना आ जाएगा 15, माइनस से माइनस किया तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3, y की वैल्यू होगी 3, पुट कर दो पहली इक्वेशन में, कितना आ जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 3 इक्वल टू माइनस 13, तो 2x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 13, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 9, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, लाड़ लो x की वैल्यू आ गई माइनस 2, तो ये आपके आंसर रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस जब भी आप पटवारी का पेपर देने जाएं, तो ये टाइप के जो क्वेश्चंस हैं जरूर इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस को करिए, पॉलिनोमियल के हैं, तो ये क्वेश्चंस कैसे लगे आप मुझे जरूर कमेंट करिएगा, मैं और क्वेश्चन लेकर आऊंगा ऐसे ही, आप बने रहिएगा इसी चैनल पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।